SBI का ATM कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो नया कार्ड कैसे मिलेगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपके पास जो SBI का ATM कार्ड है वो कब एक्सपायर होने वाला है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, वैलिड थ्रू 10/23, यानी कि अक्टूबर 2023 तक ये कार्ड वैलिड था, 1 नवंबर 2023 से ये कार्ड एक्सपायर हो चुका है। तो इसके बदले में नया कार्ड आपको मिल जाएगा। ये नया कार्ड इस तरह से आपको अपने एड्रेस पर मिल जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि आपके SBI अकाउंट में एड्रेस पूरी तरह से सही होना चाहिए। उसमें अगर आपने जो एड्रेस दिया था वो ठीक है, तो उसी एड्रेस पर, उसी पते पर आपको नया ATM कार्ड मिल जाएगा। और ये कब मिलेगा? जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है जिस मंथ में, उस महीने के आखिर तक मिल जाएगा। जैसे कि ये कार्ड अक्टूबर 2023 तक वैलिड था, तो अक्टूबर 2023 को ही मुझे ये नया कार्ड मिल चुका है। मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो ये कार्ड आपको अपने एड्रेस पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको, ज़रूरी बात यह है कि उसके लिए आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ना तो आपको ब्रांच में जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप हेड ऑफिस से आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। तो आपको जब ये कार्ड मिल जाएगा तो आपको इसका पिन जनरेट करना पड़ेगा, वो आप खुद कर सकते हैं। उसके ऊपर जल्दी हम डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका एड्रेस सही होना चाहिए और आपको कार्ड के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।